हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? बेटा आई होप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में जो बहुत बच्चों का डाउट है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि मैम कितने मार्क्स में कितने वाला पास होगा, कितने पासिंग मार्क्स हमें चाहिए होंगे, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस वाले हों, चाहे वो फिजिकल वाले हों, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले हों, या फिर नॉर्मली मैथ्स वाले हों। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कन्फ्यूज हैं कि मैम कितने मार्क्स में कितने नंबर वाला जो है वो पास होगा। आप प्लीज़ इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आएँ, तो मैं उसी के ऊपर आज एक वीडियो लेकर आई हूँ, ठीक है। कोशिश हमेशा रहती है कि आप लोगों के जो डाउट्स हैं हर किसी के ऊपर प्रॉपरली वीडियो बनाऊं। इवन बहुत सारे बच्चे इरिटेट भी हो जाते हैं कि मैम छोटे छोटे डाउट्स पर भी वीडियो बनाते हो, लेकिन जब बच्चों को अच्छा लग रहा है वो चीज़, और बच्चों को जब डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, तो उससे ज़्यादा बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, है ना। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है, स्पेशली कि आप लोगों का जो ये मार्क्स हैं उसका फंडा क्या है, कितने नंबर वाला पास होता है, कैसे देखते हैं, कैसे पता लगाते हैं, तो वही मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर मैं बात करूं कि पासिंग मार्क्स कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही सिंपल। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो तो ईजिली कर लेंगे, जो मैथ्स में अच्छे हैं, लेकिन जो बेचारे मैथ्स में कमज़ोर हैं उनके लिए भी मैं बता दूं। देखो, आप लोगों के जितने भी मार्क्स का पेपर होता है उसका 33% आप लोगों को लेके आना होता है। 33% ही एक पासिंग मार्क्स होते हैं, एक पासिंग परसेंटेज होती है, ठीक है बच्चे। चाहे वो आप 100 में से निकालो, चाहे वो आप 80 में से निकालो, चाहे वो आप 40 में से निकालो, चाहे आप 20 में से निकालो, ठीक है। अब 100 में से अगर 33% आप निकालते हो तो उसका 33 ही आता है, मतलब 100 में 33 वाला पास है, है ना। और इसके अलावा अगर आप 80 में से निकालते हो तो 80 का आप 33% निकालोगे तो वो 26 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसलिए वो 27 बोलती हूँ मैं, वैसे 26 वाला बोलते हैं कि पास होता है 80 में से। ऐसे ही अगर मैं 60 वाला देखूं या 70 वाला देखूं तो उसके हिसाब से अलग अलग हो जाता है, जैसे 21 22, इस तरीके से पूरा आप लोगों की परसेंटेज निकलती है कि कितने नंबर में से कितने वाला पास। कि ये चीज़ जो है जिसमें आप लोग इतना कंफ्यूज थे कि मैम पासिंग मार्क्स कितने में कितने वाला पास होता है, ये चीज़ आपको पता लग गई होगी, अब समझ आ गई होगी। और नॉर्मली कितने भी मार्क्स हों, कभी भी हमेशा बोर्ड जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें 33% जो है आपको गेन करने होते हैं, तब जाके आप पास होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा में ये फंडा जो है सेम रहता है सब में, चाहे आप CBSE स्टूडेंट हों, चाहे आप HBSE स्टूडेंट हों, चाहे आप कोई और बोर्ड के स्टूडेंट हो। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकेशन है कि इस बोर्ड का स्टूडेंट जो है वो इतना परसेंट होना चाहिए या इस बोर्ड का इतना परसेंट होना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को पता लग गई होगी। बच्चे बहुत सारे बच्चों का जो है डाउट था कि मैम हमारे जो है 70 मार्क्स का एग्ज़ाम था, शायद फिजिक्स केमिस्ट्री का था 70 का, मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 60 मार्क्स कुछ एग्ज़ाम्स थे जो वो 60 मार्क्स के थे, कुछ एग्ज़ाम्स थे जो वो 70 मार्क्स के थे, है ना, और कुछ 80। एग्ज़ाम की अगर बात करें तो एग्ज़ाम्स तो बहुत एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, और ऐसा आएगा वैसा आएगा, इतने मार्क्स बनेंगे उतने मार्क्स बनेंगे, तो हो गया एग्ज़ाम, एग्ज़ाम को छोड़ दो, एग्ज़ाम की टेंशन लेना छोड़ दो, ठीक है। अब फ्रेश मूड में आ जाओ, क्योंकि अब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, नेक्स्ट पढ़ाई स्टार्ट होगी, नई नई चीज़ें आप लोग सीखोगे। 10th वाले जो हैं वो 11th में जाएंगे और नए सब्जेक्ट्स आएंगे उनके पास, ऐसे ही 12th वाले जो हैं वो कॉलेज में जाएंगे, तो वो भी एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो आप लोग नए एक्सपीरियंस के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। ये मत सोचिए कि अब क्या होगा कैसे होगा, जो होना था हो गया, इट्स ओके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं जल्द ही लेकर आऊँगी आप लोगों के, जो आप लोगों के मतलब कि है ना कि अब आगे जो जरूरत पड़ेंगी उनके ऊपर वीडियोज़ आएंगे अभी चैनल पर, और कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मोटिवेशन की कमी जो है वो बहुत सारे बच्चों में है इस टाइम पर। नेगेटिव इतना जल्दी होते हैं, किसी की बातों में इतना जल्दी आते हैं कि उनको खुद के डिसीजन नहीं समझ आते, वो खुद का दिमाग जो है वो नहीं यूज़ कर पाते हैं, है ना। क्योंकि आप लोगों की फरमाइशों पर, आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं, उन पर भी अलग अलग कोशिश होती है कि हर प्लेटफॉर्म पर मैं जवाब दे पाऊँ। जैसे टेलीग्राम पर ग्रुप अलग बना हुआ है, ओके, और व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाने का तो अभी रिवाज है नहीं, क्योंकि तुम लोग दुखी कर दोगे मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर करके। इसके अलावा मैं इंस्टा पर बहुत सारे बच्चे आते रहते हैं, क्योंकि रील्स में लगे रहते हो आप लोग, अभी रिजल्ट तो है नहीं, तो सोचते हो कि रील्स ही बनाते रहे हैं पूरा दिन बैठ के, तो वहाँ पर भी एक ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हों, और अगर आपकी आईडी इंस्टाग्राम पे है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरी आईडी का लिंक है, वहाँ पर जाकर मुझे हेलो मैम का मैसेज कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू स्टे इन आवर ग्रुप, ठीक है बच्चे। मैसेज जो है कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आपकी प्रोफाइल वगैरह चेक करके देन आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगी, क्योंकि बहुत बच्चे जो हैं वो इस टाइम पर आवारा और फेक भी घूम रहे हैं, तो इसलिए कोशिश रहती है कि अच्छे जो डिज़र्विंग बच्चे हैं सिर्फ वही अच्छी चीज़ों में आ पाएँ, ठीक है। तो मैसेज ज़रूर कीजिएगा,
हमेशा कोशिश रहती है कि जो बच्चे डाउट पूछते हैं उनके जवाब जो है मैं दे पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि मैम बोर्ड एग्जाम्स जो हैं उसमें क्या अपडेट चल रही है, क्या न्यूज़ है। तो वो जहाँ जहाँ से मुझे न्यूज़ पता लगती है, न्यूज़ पेपर सुबह पढ़ती हूँ, तो जो अपडेट मुझे लगता है कि हाँ ये देनी चाहिए वो मैं आप लोग के साथ यूट्यूब के माध्यम से शेयर कर देती हूँ। और अभी टैबलेट वगैरह की न्यूज़ चल रही थी, जैसे कि आप सबको पता ही है, तो टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो चुका है। ओके, अभी कुछ वीडियोस जो हैं वो इम्पोर्टेंट आएंगी, तो बेटा उनको ध्यान से देखिएगा। जैसे कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मैम पॉलिटेक्निक में जाना है हमें, तो उसके ऊपर वीडियो लेकर आएँ, तो मैं कल एक वीडियो लेकर आई हूँ पॉलिटेक्निक के ऊपर। अभी एक ITI पर भी वीडियो लेकर आऊँगी और एक मेन इम्पॉर्टेंट UPSC पर भी वीडियो आनी है। सो चैनल पर बने रहिए, ओके, मिस मत कीजिए वीडियो। अगर आती है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान तरीके से पूरी चीज़ें एक्सप्लेन होंगी, ठीक है। सो अगर कोई चीज़ फिर भी रह जाए, कोई डाउट हो, सो यू कैन डू कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। ओके, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।